भागलपुर में करंट लगने से एक किशोरी की मौत हो गई, वहीं बचाने पहुंचे दादा की भी स्थिति गंभीर है। मामला जिले के ईसीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह चापाकल के पास घर में सप्लाई होने वाली बिजली की अर्थिंग लगी हुई थी, उसी के संपर्क में आने से किशोरी की मौत हुई। तो वहीं किशोरी के दादा किशोरी को बचाने के लिए पहुंचे तो वो भी संपर्क में आने से बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुबह दादा चापाकल पर स्नान कर रहे थे, उसी में मृतिका किशोरी अपने दादा को कपड़ा पहुंचाने गई थी, जहां चापाकल के समय बिजली सप्लाई होने वाला अर्थिंग को लगाया गया था, जिसके संपर्क में किशोरी आ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं जैसे ही किशोरी अर्थिंग के संपर्क में आए तो दादा आनन फानन ने बचाने को गए, जिससे वो भी पूरी तरह चपेट में आ गए। वहीं परिवार वालों के द्वारा आनन फानन में दोनों को पीरपैंती रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां किशोरी को डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घायल दादा को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मृतिका किशोरी की पहचान ईसीपुर थाना क्षेत्र के हरदेव चक पंचायत निवासी कृष्ण मोहन गौड़ की 13 वर्षीय पुत्री अनुष्का कुमारी के रूप में हुई है। वहीं मृतिका किशोरी के घायल दादा की पहचान द्वारका गौड़, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। मृतिका के पिता कृष्ण मोहन गौड़ मजदूरी का काम करते हैं, तो वहीं उसकी माँ गोकुल मथुरा में सेविका के कार्य पर कार्यरत है। किशोरी 9वीं कक्षा की छात्रा थी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले विश्वकर्मा मंदिर मोदी नगर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था सभी विश्वकर्मा समाज एकजुट हो। इस बैठक की अध्यक्षता रंजीत मंडल के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर भागलपुर नगर निगम के पार्षद अमित ट्विंकल उपस्थित थे। अमित ट्विंकल ने कहा कि पूरे बिहार में हमारा विश्वकर्मा समाज 8% की भागीदारी रखता है, इसके बावजूद भी चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, इससे विश्वकर्मा समाज को दूर ही रखा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग राजभवन कूच करेंगे। इसके लिए 30 जून को प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्वकर्मा समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज की इस बैठक में रंजीत पुद्दार, विशाल, रंजीत शर्मा, विजय साह, बालेश्वर साह, प्रकाश ठाकुर, रुपेश साह सहित कई लोग उपस्थित थे। आज भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की बैठक आज विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में रखी गई है। इसका मुख्य 30 जून को एक प्रांतीय सम्मेलन होना है, जिसमें विश्वकर्मा के पांचों पुत्र सोनार, बढ़ई, कुम्हार और लोहार, ठकेरा सभी लोगों का प्रांतीय बैठक होगा, जिसमें बहुत मजबूती से इस बैठक को, प्रांतीय सम्मेलन को किया जाएगा। आज की बैठक की अध्यक्षता यहाँ के वर्तमान निवासी रंजीत मंडल जी कर रहे थे और MLC
चुनाव लड़ चुके रंजीत पोद्दार जी इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य है कि विश्वकर्मा समाज पूरे बिहार भर में 8.5% है, मगर आज तक इसकी राजनीतिक भागीदारी नहीं रही है और सभी बड़ी बड़ी राजनीतिक दलें हम सभी को नज़रअंदाज करते हैं। इसी की मजबूती को, एकता को बढ़ाते हुए हम सभी राजभवन को कूच करेंगे। उसी की तैयारी है, जब हम 8% 8.5% हैं तो हम लोगों के भी राजनीतिक में सीटों की भागीदारी होनी चाहिए।